हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो। आज की इस वीडियो आज हम बात करेंगे रेलवे द्वारा शुरू की जाने वाली नई ट्रेन। ये ट्रेन चेन्नई से कटरा चलेगी, श्री माता वैष्णो देवी कटरा अंडमान एक्सप्रेस। रेलवे द्वारा अंडमान एक्सप्रेस का संचालन लॉकडाउन के बाद पहली बार होने जा रहा है। आइए देखते हैं क्या रहेगा इस ट्रेन का टाइम टेबल। सो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आई वन पहले मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको रेलवे से जुड़ी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होते रहेंगे। चलिए आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए इस वीडियो आज मैं आपको अंडमान एक्सप्रेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस ट्रेन का संचार रेलवे शुरू करने जा रही है। ट्रेन चेन्नई से श्री माता वैष्णो तो कटरा के मध्य में चलती है। आइए मैं आपको बताता हूँ ये ट्रेन कब से चलना प्रारंभ होगा। सो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये ट्रेन MGR चेन्नई सेंट्रल से 16031 नंबर के साथ यानी 160/31 नंबर के साथ चेन्नई सेंट्रल से ट्रेन 3 जुलाई से चलना प्रारंभ हो जाएगी। दिन रहेगा संडे को। चेन्नई सेंट्रल से ये ट्रेन संडे, वेनेसडे और थर्सडे को चला करेगी। वापसी में ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा से 16032 नंबर के साथ ये ट्रेन कटरा से 5 जुलाई से चलना प्रारंभ हो रही है। कटरा रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन का संचार रेलवे ट्यूजडे, फ्राइडे, सैटरडे, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार को करता है। इस ट्रेन में टोटल रेलवे ने आपके लिए 18 कोचेस लगाए गए हैं। जनरल टिकट की सुविधा इसमें उपलब्ध रहेगी। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ट्रेन है आपकी, इस ट्रेन का जो किराया रहेगा स्लीपर क्लास का, स्लीपर क्लास के आपको 920 रुपये किराया रहेगा। थर्ड डे की बात करें तो थर्ड डे का जो किराया रहेगा वो 2400 रुपये का किराया थर्ड डे में, और टू ए की बात करें तो 3520 रुपये का किराया टू ए का। आइए मैं आपको इस ट्रेन का पूरा टाइम टेबल बता देता हूँ। देखिए ये ट्रेन आपकी जब अंडमान एक्सप्रेस चेन्नई से चलेगी तो 16031 नंबर के साथ वेनेसडे, थर्सडे और संडे को 5:15 पर डिपार्चर कराया करेगी। हफ्ते में 3 दिन चलेगी चेन्नई सेंट्रल से। और सुलेरुपेटा आएगी 6:28 पर, यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉपेज रहेगा। नायडुपेटा आने का समय रहेगा 6:53 पर, यहाँ पर 2 मिनट खड़ेगी। गुड्डू जंक्शन आएगी 7:13 पर, यहाँ 2 मिनट का स्टॉपेज है। नेल्लौर आएगी 7:44 पर, 1 मिनट का स्टॉपेज रहेगा नेल्लौर रेलवे स्टेशन। कावली आने का समय रहेगा 8:24 पर, 1 मिनट खड़ेगी कावली। सिंह राय कोंडा आने का समय रहेगा 8:49 पर। ओंगल आने का समय रहेगा 8:09:14 पर, यहाँ 1 मिनट खड़ेगी ओंगल रेलवे स्टेशन। चिराला आने का समय रहेगा 9:59 पर, ये ट्रेन चिराला आ जाएगी। बापताल आएगी 10:14 पर, ये ट्रेन बापताल आएगी, 1 मिनट का स्टॉपेज रहेगा। निड्डू बोला आएगी 10:43 पर, यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉपेज रहेगा। तेनाली जंक्शन आएगी 11:39 पर, 1 मिनट खड़ी तेनाली। न्यू गुंटूर आई 12:08 पर, यहाँ 2 मिनट का स्टॉपेज न्यू गुंटूर रेलवे स्टेशन। विजयवाड़ा जंक्शन आई 1:35 पर, यहाँ 5 मिनट का स्टॉपेज विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। मदिरा आने का समय रहेगा 2:44 पर, ट्रेन मदुरा आई 1 मिनट खड़ी रहेगी। इसके बाद यह ट्रेन आपकी खम्मा आने का समय 3:19 पर खम्मा आएगी दोपहर के। डोंकल जंक्शन आने का समय 3:44 पर आएगी डोंकल जंक्शन। महबूबाबाद आएगी 4:09 पर, 1 मिनट का स्टॉप महबूबाबाद। केसामुद्रम आने का समय रहेगा 4:29 पर, केसामुद्रम आएगी 1 मिनट का स्टॉप। वारंगल आएगी 5:15 पर, 5 मिनट का स्टॉप है वारंगल रेलवे स्टेशन। जंपी कुंटा आएगी 6:09 पर, 1 मिनट खड़ी आएगी। पैदापल्ली आई 6:39 पर, ट्रेन पैदापल्ली आ जाएगी। रामगुंडम आएगी 6:59 पर, रामगुंडम। मंचरियाल आने का समय 7:14 पर, 7:14 पर मंचरियाल आएगी। बेलमपल्ली आने का समय 7:49 पर बेलमपल्ली आएगी। सिरपुर कागजनगर आने का समय 8:28 पर आएगी, यहाँ 2 मिनट का स्टॉपेज दिया गया। बल्लारसा 10:20 बल्लारसा पहुँचे, यहाँ 5 मिनट खड़े। चंदपुर 10:47 पर आएगी, 2 मिनट का स्टॉप है। सेवाग्राम 12:23 पर पहुँचे, यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है। नागपुर आई 1:40 पर, 5 मिनट का स्टॉप है नागपुर रेलवे स्टेशन। इसके बाद ये ट्रेन आगे बढ़ते हैं। मुलताई आने का समय दिया गया है इसका 3:41 पर, 1 मिनट का स्टॉप रहेगा। अमला जंक्शन 3:58 पर आएगी और यहाँ पर 2-3 मिनट का स्टॉप है अमला रेलवे स्टेशन। बैतूल पर 4:28 पर पहुँचे, 2 मिनट खड़ी रहेगी। घोड़ा डोंगरी आई 5:05 पर, यहाँ 2 मिनट का स्टॉपेज दिया गया। इटारसी जंक्शन 7:25 पर आएगी, 5 मिनट का स्टॉपेज है इटारसी जंक्शन। भोपाल आएगी 9:00, यहाँ 10 मिनट का स्टॉप भोपाल जंक्शन। बीना आएगी 11:30 पर, यहाँ 5 मिनट खड़ी रहेगी बीना। वीरांगनगर लक्ष्मी आई दोपहर के 1:30 पर पहुँचेगी, 10 मिनट खड़ी रहेगी झांसी। ग्वालियर आएगी 2:48 पर, यहाँ 2 मिनट का स्टॉपेज है। मुरैना आएगी 3:22 पर, यहाँ 2 मिनट खड़ी मुरैना। आराकेंट आई 4:55 पर, यहाँ 5 मिनट का स्टॉप है आराकेंट। मथुरा जंक्शन 5:45 पर आएगी, यहाँ पे ये ट्रेन 5 मिनट का स्टॉपेज दिया गया मथुरा जंक्शन। फरीदाबाद पहुँचे 7:43 पर, यहाँ पे 2 मिनट खड़ी रहेगी। तुगलकाबाद पहुँचे 7:55 पर, यहाँ 2 मिनट का स्टॉपेज। ओखला आएगी 8:04 पर, हजरत निजामुद्दीन पहुँचे 8:16 पर,
और यहाँ पे इस ट्रेन का 15 मिनट का स्टॉपेज दिया गया हजरत निजामुद्दीन। नई दिल्ली आई रात के 8:55 पर, 15 मिनट खड़े न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। सुकूर बस्ती 9:39 पर, बहादुरगढ़ आई 9:57 पर, यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है बहादुरगढ़। रोहतक जंक्शन पहुँचे 10:31 पर, यहाँ 2 मिनट खड़े रोहतक जंक्शन। जिंद पहुँचे 11:15 पर, यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है जिंद रेलवे स्टेशन। इसके बाद यह ट्रेन उचाना आएगी 11:33 पर, यहाँ 2 मिनट खड़ी रहेगी उचाना रेलवे स्टेशन। नरवाना जंक्शन आएगी 11:47 पर, यहाँ पर 2 मिनट खड़ी नरवाना। टोहाना आएगी 12:09 पर, यहाँ 2 मिनट खड़ी टोहाना। जाखल आएगी 12:40 पर, यहाँ 3 मिनट खड़ी जाखल। लहरा गागा आई, लहरा गागा जो इसका समय रहेगा, लहरा गागा आने का 12:57 पर रात में, यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप दिया गया। नेक्स्ट स्टॉप है सुनाम उधम सिंह वाला, रात के 1:17 पर पहुँचेगी और 2 मिनट का स्टॉप रहेगा। संगरूर आई रात के 1:31 पर, संगरूर आएगी और 2 मिनट का स्टॉप दिया गया। धुरी जंक्शन आई 1:57 पर, यहाँ पर 3 मिनट खड़ी रहेगी। मलेर कोटला आने का समय रहेगा 2:13 पर रात में और यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप दिया गया। अहमदगढ़ 2:30 पर पहुँचेगी, 2 मिनट खड़ी रहेगी। लुधियाना आएगी 3:10 पर, यहाँ 10 मिनट का स्टॉपेज है। फगवाड़ा जंक्शन 3:49 पर पहुँचेगी, 2 मिनट खड़ी रहेगी। जालंधर कैंट 4:10 पर आएगी, 5 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद ये ट्रेन आगे बढ़ती है, नेक्स्ट स्टॉप है मुकेरियाँ, 5:16 पर मुकेरियाँ पहुँचेगी। 6 बजे ये ट्रेन आपकी पठानकोट आएगी, हम 5 मिनट खड़ी पठानकोट। कठुआ आएगी 6:34 पर ट्रेन कठुआ। जम्मू तवी 8:20 पर, यहाँ 10 मिनट खड़ी जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। उधमपुर 9:46 पर उधमपुर आएगी। श्री माता वैष्णो देवी कटरा 10:35 पर पहुँचेगी। कटरा ये ट्रेन फ्राइडे और सैटरडे और ट्यूसडे को पहुँचा करेगी। और जब ये ट्रेन अंडमान श्री माता वैष्णो कटरा से चली तो 1:03:02 नंबर हिसाब चला करे। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से फ्राइडे सैटरडे ट्यूसडे शुक्रवार शनिवार और मंगलवार को रात को 10:30 पर ट्रेन चलने का समय रहेगा। 10:54 पर उधमपुर आएगी, यहाँ 2 मिनट का स्टॉप ही रहेगा। जम्मू तवी 12:05 पर पहुँचने का समय, यहाँ 10 मिनट का स्टॉप जम्मू तवी। कठुआ रात को 1:15 पर आएगी, यहाँ 2 मिनट का स्टॉप ही रहेगा। पठानकोट के रात के 1:58 पर आएगी, यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद ये ट्रेन मुकेरियाँ आने का समय 2:36 पर रात में 2 मिनट खड़ी रहेगी। सुबह 4:30 पर जालंधर आएगी, 5 मिनट का स्टॉप है। फगवाड़ा जंक्शन 4:47 पर आएगी, यहाँ 2 मिनट का स्टॉप रहेगा। लुधियाना जंक्शन 5:40 पर आएगी, यहाँ 10 मिनट का स्टॉप है लुधियाना रेलवे स्टेशन पर। ये ट्रेन आपकी 10 मिनट खड़ी रहेगी। अहमदगढ़ 6:14 पर आएगी, यहाँ 2 मिनट का स्टॉपेज है। मलेरकोटला आएगी 6:32 पर और 2 मिनट खड़ी रहेगी। धुरी जंक्शन आई 7:30 पर, 2 मिनट का स्टॉप है। संगरूर 8:01 पर, यहाँ पर इस ट्रेन का स्टॉप 2 मिनट का दिया गया। सुनाम सिंह उधमवाला आएगी 8:21 पर। लहरगागा आई 8:42 पर, यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप रहेगा। जाखल आने का समय 9:25 पर, यहाँ पर 3 मिनट खड़ी रहेगी। टोहाना आने का समय रहेगा 9:39 पर, यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉपेज है। नरवाना आएगी 10 बजे, यहाँ 2 मिनट का स्टॉपेज रहेगा। इसके बाद ये ट्रेन उचाना आएगी 10:14 पर। बरसोल आएगी 10:26 पर, यहाँ 2 मिनट खड़ी रहेगी। जिंद आएगी 10:42 पर, 3 मिनट का स्टॉप है जिंद। जुलाना आएगी 11:03 पर। रोहतक जंक्शन आने का समय रहेगा 11:31 पर, यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। बहादुरगढ़ 12:01 पर आएगी, 2 मिनट खड़ी रहेगी। सकुर बस्ती 12:36 पर। नई दिल्ली आएगी दोपहर के 1:35 पर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ये गाड़ी लगभग आपकी 35 मिनट का स्टॉपेज दिया गया। हजरत निजामुद्दीन 2:21 पर आएगी, यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है हजरत निजामुद्दीन। फरीदाबाद रुकेगी 2:42 पर, ये ट्रेन फरीदाबाद रुकेगी, यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है दिया गया है। नेक्स्ट स्टॉप आएगा मथुरा जंक्शन, 4:11 पर आएगी मथुरा जंक्शन, 2 मिनट का स्टॉप है। आगरा कैंट पहुँची 4:55 पर, आगरा कैंट आएगी, यहाँ 5 मिनट खड़ेगी। मुरैना आएगी 6:22 पर, यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉपेज है। ग्वालियर आई 7:50 पर, यहाँ 2 मिनट खड़ी रही। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी शाम रात के 9:55 पर पहुँची, 8 मिनट का स्टॉपेज दिया गया। बीना आई रात के 12:10 पर, यहाँ 5 मिनट का स्टॉपेज है। भोपाल जंक्शन रात के 2:10 पर आई, 10 मिनट खड़ी रही। इटारसी आई सुबह 4 बजे, यहाँ 5 मिनट का स्टॉप है। घुड़ा डोंगरी 5:03 पर पहुँचे, यहाँ 2 मिनट खड़ी रही। बैतूल 5:40 पर। अमला आई 6:02 पर। नागपुर आई सुबह 9 बजे। सेवाग्राम 10 बजे आई। चंद्रपुर आई 11:36 पर, दोपहर के 1:05 पर। बल्लारसा सिरपुर कागजनगर दोपहर के 1:59 पर। बेलमपल्ली 2:28 पर। मंचियाल 2:41 पर। रामगुंडम 2:51 पर। पेड्डापल्ली 3:03 पर। जम्पीकुंडा आई 3:29 पर। वारंगल आई 4:23 पर। और इसके बाद ये ट्रेन केशवमुद्रम 5:09 पर। महबूबाबाद आई 5:23 पर। डोंगकार 5:45 पर। खम 6:09 पर। विजयवाड़ा आई रात के 8:50 पर, विजयवाड़ा आ जाएगी। निगुंटो 9:43 पर, रात के 10:28 पर तेनाली जंक्शन आएगी।
ओंगल आने का समय रात के 12:34 पर ओंगल आई नेल्लौर, 2:24 पर नेल्लौर, गुड्डू जंक्शन 3:58 पर, 4:45 तक ये ट्रेन आपके सुलूर पेट्टा आने, इसके बाद ये ट्रेन चेन्नई सेंट्रल 6:50 पर आ जाएगी। तो ये टाइमिंग थी आपकी अंडमान एक्सप्रेस की, चेन्नई से लेकर श्री माता वैष्णो देवी कटरा इस ट्रेन का संचालन रेलवे शुरू करने जा रहा था। आज की इस वीडियो आज मैंने आपको एक और नई ट्रेन के बारे में जानकारी दी। तो आज की इस वीडियो ये नई ट्रेन जानकारी थी अंडमान एक्सप्रेस की। तो आज की इस वीडियो फिलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। और आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो ऐसे लाइक करें, शेयर करें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको रेलवे से जुड़ी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होते रहेंगे। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैवी नाइस डे।